हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं तूफान का टाइटल ट्रैक और बिना कुछ बकवास किए स्टार्ट करते हैं। देखो जो शुरू का इसका जो नायलॉन स्ट्रिंग वाला इंट्रो है उसको आप फिंगर स्टाइल बजाओगे। अब ये ऐसे समझाना मुश्किल होगा, इसकी टैब्स जो है वो मैंने साइमल्टेनियसली अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया कि हिमसेल्फ इज माई हैंडल। सो हाउ इट गोस, आपने ये कॉर्ड पकड़ा, ई माइनर 11th, ठीक है, ई माइनर 7th पकड़ के ये आगे लगा दिया, ठीक है। नाउ बाय स्टेप देखते हैं, मैंने इसको 10 से पुल ऑफ किया 8 पे, देन फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सो अब फिफ्थ और सेकंड स्ट्रिंग को एक साथ इसको हटा दिया, ठीक है, फिफ्थ और सेकंड के साथ, देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो अभी तक हमने कर लिया है, देन इसको वापस लगाएंगे, सिंपल सा पैटर्न है ना। ठीक है, आप गए डी कॉर्ड पे, डी ये बार कर दिया आपने, ठीक है, देन यू गो, आपने अगेन सस फोर से पुल ऑफ किया, आपके पास अगर टैप्स है तो आपको दिख ही रहा होगा, इजी है मामला। टैप्स नहीं है तो प्लीज इंस्टाग्राम से ले लो, फिर से बोल रहा हूँ। देन सी सिंपल सा, फिफ्थ और सेकंड स्ट्रिंग को आपने एक साथ बजाया, देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, सो डी, ये इंट्रो हो गया, ठीक है। अब इस इंट्रो के बाद छोटा सा इंट्रो है हमने जिस पे इतना टाइम लगाया है, बट मुझे लगता है कि डिटेल में सब कुछ आना चाहिए। अब इस इंट्रो के बाद चालू होता जाओ, हाँ ये वाला, सो ये जो है गिटार में खूब सारा रिवर्ब लगा के कोरस लगा के, आर्टिफिशियल हारमोनिक्स आपने 12th फ्रेट में जाके 12th फ्रेट का जो ये है, जो स्टील का जो फ्रेट है उसके आगे आपके ने जाके थर्ड और सेकंड स्ट्रिंग को बस ऐसे छू देना है, ठीक है, बस छूना है और ये आवाज आएगी। सो देन फिर वर्स चालू होता है, लावा याद का रग रग में बहता, इसकी कॉर्ड्स बहता, ना 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 ना
जी डी सी। अब यहाँ से आता है इलेक्ट्रिक गिटार का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक गिटार कम्स इन द सॉन्ग। उसमें आपको खूब सारा डिस्टॉर्शन डालना है, प्यारा सा स्टीरियो गिटार्स बनाने हैं, गिटार का टोन बनाना अगर आपको सीखना है तो आप नीचे कमेंट्स पे लिखो, मैं आपको प्रोसेसर्स पे टोन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, जब कोरस में इलेक्ट्रिक गिटार आता है, जब कोरस आता है वहाँ पर ड्राइव जो है वो है सिंपल, वही चार कॉर्ड्स ई माइनर जी डी, बट सी जो है सी इस बार पावर कॉर्ड लगेगी डिफरेंट तरीके की। एक बार देखते हैं गिटार इलेक्ट्रिक के साथ कैसे साउंड करेगा। अब मैंने इलेक्ट्रिक गिटार्स के बिगिनर्स लेसन में बताया था कि पावर कॉर्ड को बीफ अप करने के लिए रादर देन हम बजाते हैं उसका ऊपर का बेस नोट और छह स्ट्रिंग। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा हो, ऊपर उसका लिंक आ रहा है, देखिएगा, ठीक है। सो ई माइनर जी डी सी, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। अब इसके आगे एक अकूस्टिक सोलो है, ये सॉन्ग अभी नया, मैंने भी इतना नहीं सुना इसलिए सुन के निकाल रहा हूँ, ठीक है। और सुन के कैसे निकालते हैं, मैंने कॉर्ड्स निकालना सिखाया था आपको, ऊपर आई बटन पे एक लिंक दिख रहा होगा कि कॉर्ड्स कैसे निकालते हैं गाने की, लीड निकालना मैं सिखाऊंगा जल्दी। सो इजी है ना, एक बार फिर से सुनता हूँ। फिर से अगले पूरे वर्स में फिर से वही कॉर्ड्स हैं, सेम कॉर्ड्स ई माइनर जी डी सी, फिर से कोरस। अब इसके बाद एक सोलो है, सो पहली बार में है, दूसरी बार में, थर्ड स्ट्रिंग फाइव फोर, फोर्थ स्ट्रिंग जीरो, थर्ड स्ट्रिंग जीरो, देन फोर्थ स्ट्रिंग में फाइव स्लाइड सेवन, नेक्स्ट टाइम सेम, फोर्थ स्ट्रिंग टू। अब एक नया रिफ आता है, सो आप अगर हैवी डिस्टॉर्शन बजा रहे हो थोड़ा सा इसको कम करो वॉल्यूम को, और अब ये क्या है, जीरो थ्री और वन बजाऊंगा, ठीक है। जीरो को देखो, फिर से सुनता हूं एक बार, यही है ना,
नेक्स्ट में इसको बीफ अप करना है, पावर कॉर्ड सेम, ऊपर की जो जीरो है वो सेम रहेगी, नीचे बस ये दोनों लगा दो। सो सिंपल है। बट इसके लिए आपको पहले वो वाला पार्ट आना चाहिए। पाम म्यूट करके बजाना इसको, हाँ। ठीक है, देन सो कोरस से पहले सिक्स स्ट्रिंग टू थ्री फाइव, फिफ्थ स्ट्रिंग टू फिर थ्री टू सिक्स स्ट्रिंग में फाइव थ्री, सो आई होप आप लोगों को इस लेसन में मज़ा आया होगा। अगर आपको इसके टैप्स चाहिए या फिर कॉर्ड चार्ट चाहिए, इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है कि हिमसेल्फ इज़ माई हैंडल, वहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। और अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनली सीखना है, प्राइवेटली सीखना है, आप लोगों को मज़ा आया कि मैंने कैसे सुन के सॉन्ग को फिगर आउट किया, सो मैं ये टेक्निक जूम क्लासेस पे सिखाता हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज कर सकते हो। पिछले दो महीने से दो बैचेस चल रहे हैं, इंटरमीडिएट और बिगिनर्स, और हर दो इन दो महीनों में मैं इन दो बैचेस में गिव अवे कर रहा हूँ। जो सबसे स्टार परफॉर्मर बच्चा होता है हर एक बैच का, मैं उसको एक इलेक्ट्रिक गिटार गिव अवे करता हूँ। आप भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सिखा के, अपनी टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करके। सो लेट मी नो, बाकी बाहर हो रहा है कोविड, प्लीज़ बाहर मत निकलें, थर्ड वेव में कंट्रीब्यूट करने के लिए बिल्कुल भी मत निकलें, घर में रहें, गिटार अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना हो करो, सब्सक्राइब करना हो करो, पर प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।